चार दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नहाए खाए से प्रथम दिन छठ पूजा का शुरू हो रहा है, तो छठ मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही मेरी छठी मैया से प्रार्थना है। तो आइए चलते हैं, आज बच्चों को स्कूल लेने के लिए काफ़ी दिनों बाद, आज एक हफ्ते बाद बच्चे स्कूल गए हैं, तो आज उनसे पूछते हैं उनका आज स्कूल में कैसा गया पूरा दिन। तो आइए चलते हैं बच्चों को लेने। तो फ्रेंड, आज पहुंच गए हम अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल पे, और ये भी स्कूल से आए हैं। इनकी हालत बहुत पस्त हो रही है, ये कह रहे हैं कि पापा बाकी ब्लॉग घर जाके स्टार्ट करेंगे। अभी घर चलो, अभी घर चलते हैं, फिर घर पे स्टार्ट करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा इनका स्कूल में। चलिए, आप ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। तो बच्चे घर पहुंच गए हैं स्कूल से और खाना लंच कर लिया उन्होंने, खा पी के फ्रेश हो गए हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं उनका आज का दिन कैसा गया स्कूल में एक हफ्ते बाद। दिन कैसा गया स्कूल में आपका? बढ़िया गया। कितने पीरियड आपने बंक करे आज? बंक नहीं किए, बैंक क्लास में था, दो पीरियड। आज नया कुछ वो आपके स्कूल में? तो अभी तो सरकार, कैसा रहा आज का दिन आपका स्कूल में? एक हफ्ते बाद आप स्कूल गए हो आज दिवाली की छुट्टियों के बाद। ठीक ही था, ज्यादा कुछ करा नहीं, पढ़ाई वगैरह भी। और कुछ नहीं, फिर हम लोगों ने वही जब टीचर पढ़ाए जब मजे करने का मन हुआ तो मजे करे। और कितने पीरियड बंक करे आपने? आज तो एक भी नहीं। अब पहुंचे हैं छठ घाट पे, छठ महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं बड़े जोरों शोरों से। आज प्रथम दिन है नहान और खाया का, तो आइए आपको दिखाते हैं छठ घाट पे छठ की तैयारियां। ये देखिए छठ घाट पे छठ की तैयारियां, इन पे पूजा करने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। इनको छोटे छोटे आप मंदिर का रूप कह सकते हैं। और ये छठ महोत्सव पूर्वांचल में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पूर्वांचल के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसकी बहुत मान्यता है, और वो पूर्वांचल के लोग इसे बहुत मानते हैं, और वो साल भर का अपना कोई भी त्यौहार हो लेकिन इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है ऐसा माना जाता है। तो ये देखिए ये मंदिर तैयार किए जा रहे हैं, और जिस दिन छठ मनाई जाएगी उस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पहले दिन अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे एक नहाने के लिए सूर्य को अर्घ देने के लिए ये तैयारी की गई है। यहाँ पे इसमें पानी भरा जाएगा और इसमें लोग खड़े होकर सूर्य को अर्घ देंगे। जिस दिन छठ होगी उस दिन आपको मैं यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। अभी इसकी सफाई हो रही है और ये जो भी इसमें टूट फूट हुई है वो तैयारी सही की जा रही है। आइए, छठी मैया आप सबका आशीर्वाद दे अपना।